विकास गुप्ता घर के नए कैप्टन बन गए हैं। ये बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि अर्शी खान ने उन्हें कैप्टन बनाया है। जी हाँ, अर्शी ने विकास को कैप्टन बनाया है। लास्ट राउंड में 3 सदस्य रह गए थे, जैस्मिन, विकास और राहुल वैद्य। अर्शी को मौका मिला हाइड्रोलिक बलून में जाने का और वहां पर आप जानते हैं कि जो अंदर होगा उसके पास पावर होगी कि जो उसके कॉर्नर्स में थैलियां लटकी हुई हैं उसमें से किसकी थैली वो स्विमिंग पूल में फेंकेगा। बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की थी कि 2 थैलियां फेंकनी है लेकिन निक्की ने एक ही डाली थी। तो लास्ट राउंड में हालांकि जो है लाइव फीड में नहीं दिखाया गया कि कौन अंदर गया, लेकिन खबरी की खबर है कि अर्शी खान जो है वो उसमें अंदर गई। तो अर्शी ने राहुल की थैली फेंकी और विकास को बनाया। ये अपने आप में बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली खबर है क्योंकि अर्शी और विकास का 36 का आंकड़ा है। लेकिन हो सकता है कि अर्शी ऐसा करके विकास से अपनी दोस्ती वापस पाना चाहती हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बनाया क्योंकि उनको पछतावा है जो उन्होंने विकास के साथ किया। तो विकास गुप्ता घर के नए कैप्टन बन गए हैं, पर यहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी में अर्शी ने और निक्की ने राहुल को धोखा दिया। दोनों ये बताते रहे कि हम तेरे लिए खेल रहे हैं, लेकिन ना निक्की ने विकास की थैली फेंकी और जब आखिर में मौका अर्शी को मिला तो उसने विकास को बचा लिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है कि अर्शी ने विकास को कैप्टन बनाया है और विकास गुप्ता नए कैप्टन बन गए हैं। राहुल वैद्य को लेकर पूरी स्ट्रैटेजी थी, सब बताया गया था और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि लास्ट राउंड में अर्शी गई है तो जाहिर सी बात है वो राहुल को सपोर्ट कर रही थी तो राहुल को बनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने विकास को कैप्टन बना दिया है।